भगवान का दिया हुआ ज्ञान लक्ष्मी बांटने के निमित्त बनते हैं। लक्ष्मी अव्वल नंबर के निमित्त बनती है। योगिनी माँ क्यों नहीं बनते हैं? अव्वल नंबर में योगिनी माँ क्यों नहीं बनते? ज्ञान देना बड़ी ऊंचे है, ज्ञान देना भाषण करना बड़ी ऊंची बात है, या ज्ञानात ध्यानम विशेषित है? ज्ञानात ध्यानम विशेषित। जय सिया राम। फिर विशेषता ज्ञान की है या योग की है? योग की है। ज्ञान की इतनी विशेषता है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा योग नहीं लगेगा। सही जानकारी हो तो, पहले जानकारी हो तो याद अच्छी आई कि योग लगेगा। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है बाप को याद करना। और जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अगर प्राप्त कर ली तो वो ज्यादा ऊंचा, तो फिर ज्ञान लेंगे है बस। इसलिए जो लक्ष्य सिद्ध करने की स्टेज पर है कि हम ये ज्ञान जो ले रहे हैं उसका भी ध्येय क्या है, एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्य है योग, बाप से प्यार, बाप से लगाओ। अब भी बिचारी, इसलिए ज्ञान से क्या विशेष है? ध्यान विशेष है। ज्ञान से योग विशेष है। अच्छा, अगर योग विशेष ना होता तो फिर लक्ष्मी से बड़ा नारायण कैसे हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन नारायण लक्ष्मी से पहले है। भले लक्ष्मी का नाम लिया जाता है पहले, क्योंकि जब तक लक्ष्मी नहीं आएगी काम पूरा होगा नहीं। इसलिए नाम के आधार वो उसका काम है, प्योरिटी का, प्रैक्टिकल प्योरिटी का काम वो करती है। शंकर प्रैक्टिकल प्योरिटी का काम करता है? अरे प्रैक्टिकल तो कर्मेंद्रियों से होता है, वो तो पुरुषतन है। और पुरुषतन जितने भी पुरुष हैं वो सब दुर्योधन दुशासन है। तो प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में वो पावर नहीं भरी हुई है पुरुषों की। किस में पावर भरी हुई है? प्रैक्टिकल। हाँ, कर्मेंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है, पावरफुल चीज क्या है? मन और बुद्धि का वाइब्रेशन। तो मन और बुद्धि के वाइब्रेशन से वो आत्मा शरीर की कर्मेंद्रियों के साथ लक्ष्मी की तरफ खींचती है, या मन बुद्धि के वाइब्रेशन से लक्ष्मी को अपनी ओर खींच लेती है? फिर तो ज्यादा पावरफुल चीज क्या हुई? कर्मेंद्रियां, वाइब्रेशन ज्यादा पावरफुल हुआ। आत्मा की शक्ति जो मूल शक्ति है मनोबुद्धि, जिसको कहते हैं मन बुद्धि रूपी आत्मा, ये तो नहीं कहा इंद्रियों रूपी आत्मा। मुख से ज्ञान सुनाएंगे, अच्छा मुख से नहीं सुनाएंगे, आंखों के वाइब्रेशन से ही दूसरों को पता चल जाएगा ये हमारे प्रति कल्याणकारी है या नहीं है, कल्याणकारी ज्ञान सुना रहा है या नहीं सुना रहा है। आंखों से भी तो पता चलता है, लेकिन इंद्रियों का आधार तो लिया ना।